हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और हम आज बनाने जा रहे हैं अपने किचन में पोटैटो स्नैक्स, जो कि बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी है। ये स्नैक्स हेलिना को और उसके डैडा को बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा चले आज मैं इनकी रेसिपी आपसे भी शेयर करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास हैं पोटैटो, जो कि इस तरह से कुछ कटे हुए हैं, इस शेप में ये कटे हुए हैं। ये हाफ़ के जी से ज़्यादा है। और ये है जी हमारे पास 3 ग्रीन चिल्ली है, इसकी जगह पे आप रेड चिल्ली भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा लहसुन है और अदरक है। इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा पीस लेंगे, यानी कि मैं कूट लेती हूँ इन तीनों को किसी चीज़ में। तो ये देखें, मैंने पोटैटो में से पानी निकाल दिया है और अभी ये जो मैंने पेस्ट बनाया है इसका, इसको कूटा है। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमारे पास है जी भुना कुटा ज़ीरा, सॉरी ये धनिया है, भुना कुटा धनिया है 1 टीस्पून, ये जाएगा। और थोड़ी ही सी यहाँ पर है अजवाइन, ये जाएगी। और यहाँ पर है हमारे पास 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के बराबर जो है रेड चिल्ली। और यहाँ पर है हमारे पास 1/2 कप के बराबर है ये बेसन, ये जाएगा। और हम कर लेंगे इसको अब हाथों से मिक्स। ये जो है ना, ये गीले गीले से हैं अभी, और पानी हम इसमें बहुत थोड़ा सा डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक। ये अब इसको अच्छे से बेसन जो है ना ये लग जाएगा, और ये जो है ना पेस्ट, ये भी अच्छे तरीके से हम सारा कुछ इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, पोटैटो गीले थे तो उसी से तकरीबन ये हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी इसमें हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर ही डालेंगे, और हाथों से ही इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा अच्छे से सारा हो गया, इसको सारा जो है लग गया। और खुशबू अभी से इतनी अच्छी सी आ रही है अजवाइन की, और सारे वो भुना कुटा जो हमने डाला है धनिया उसकी। और अभी हम एक पैन में ऑयल जो है उसको गरम कर लेंगे। और यहाँ पर देखें गाइस, हमारा प्याज कितना खूबसूरत सा खुद ही उग गया है। अब इसको किसी गमले में मैं लगा दूँगी, ये पड़ा पड़ा खुद ही इतना प्यारा सा ग्रीन ग्रीन सा उग गया है। अब यहाँ पर देखें, हमारा ऑयल जो है वो गरम हो चुका है, देखें बबल बबल से बन रहे हैं। अभी इसमें मैं एक एक करके तो ये डालूँगी, इकट्ठे एक साथ नहीं डालने, एक एक करके तो डालने हैं, ताकि ये जुड़े नहीं। ये बहुत ही मज़े के फ्लेवरफुल बनेंगे। आप इसको बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, खुद भी आप खा सकते हैं चाय के साथ, जैसे ही दिल करे चाय पीने का तो साथ में चले ये बना लेते हैं। आजकल मौसम भी सही है, गर्मी भी नहीं है, तो चीज़ें खाई भी जाती हैं। आंच को हम रखेंगे मीडियम टू लो, ताकि हमारे जो है ये अंदर तक पक जाएं, गल जाएं। और आप इसमें हरी मेथी जो है खुशबू वाली, वो भी पीस के तो डाल सकते हैं, जैसे पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हरी मिर्च, तो उसमें थोड़ी सी मेथी भी डाल देते तो वो बहुत अच्छी, मतलब उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू थी। और अगर कसूरी मेथी हो तो वो डाल दें। अब ये देखें, ये हमारे हो गए हैं, इस तरह का कलर हो जाना चाहिए गोल्डन सा, तो इसका मतलब है कि ये सही पक गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, ये देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। आप इनको मेहमानों के लिए आगे भी रख सकते हैं चाय के साथ, ये बड़े अच्छे से फ्लेवरफुल बन जाते हैं।
और ये देखे लग भी कितने खूबसूरत से रहे हैं। अब इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट जो हैं वो डाल लेंगे। इस बार ज़रा हम ना ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारा काम जो जल्दी से ख़त्म हो सके। ये एक एक करके डालने का मकसद ये है कि हमारे ये जो है ना पोटैटो ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, इसलिए इनको एक एक करके तो डाल रही हूँ मैं। अब ये देखें जो पहले वाले हैं वो थोड़े थोड़े से गोल्डन हो भी गए हैं जो शुरू में डाले हैं। अगर ये जुड़ भी जाते हैं तो भी ये निकल जाएंगे अलग अलग से, देखें हो जाएंगे बाद में। अब यहाँ पर आपने खुद ही देख लेना जो पहले हो जाए उनको पहले निकाल लें, क्योंकि ये ज़्यादा डाले हैं इस दफ़ा। तो आँच भी थोड़ी सी मैंने इसकी तेज़ कर दी है, मीडियम टू हाई कर दी है, क्योंकि ज़्यादा की वजह से इसका जो है ना इसको हीट जो है ना वो कम मिल रही है, इसलिए मैंने आँच कुछ इसकी तेज़ कर दी है अभी। तो ये भी हमारे देखे डन हो गए हैं। इसी तरह से हम जो बाकी हैं वो भी डाल लेंगे। तो देखिए हमारे क्रिस्पी करारे स्नैक्स बन के हो गए हैं तैयार। ये सारे डन हो गए हैं, स्नैक्स कह लें चिप्स कह लें, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।